क्या बाइबल की सारी बातें सच है? क्या ऐसा है जो इस बाइबल को बाकी धर्मों के ग्रंथों से अलग करता है? क्या सच में बाइबल ईश्वर का वचन है? ऐसे सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे और मैं 6 ऐसे कारण बताऊंगा जो बाइबल को विश्वास योग्य बनाता है। जय मसीह। 26th यूएस के प्रेसिडेंट थियोडोर रूज़वेल्ट ने एक बार ऐसा कहा था, बाइबल का संपूर्ण ज्ञान एक कॉलेज के पूरी शिक्षा से कई गुना ज्यादा मूल्यवान है। जी हाँ, क्योंकि बाइबल में ही हमें जीवन के जो बड़े बड़े सवाल होते हैं उनका जवाब हमें मिलता है। जैसे हम कौन हैं, हम कहाँ से आए और हमारा जीवन का मकसद क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है और हम अंत में कहाँ जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े सवालों का जवाब केवल आपको बाइबल ही दे सकता है। ये पूरी तरीके से जीवन को बदलने वाला ईश्वर का वचन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बाइबल को विश्वास नहीं करते। वो इसको बाकी धर्मों के ग्रंथों की तरह देखते हैं या सामान्य किताब की तरह देखते हैं। इवन कई सारे मसीह भाई बहने ऐसे भी होते हैं जो इसके संदेश को संदेह करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ऐसे 6 कारण बताऊंगा जो बाइबल को विश्वास योग्य बनाता है और बाकी धर्मों के ग्रंथों से इसे पूरी तरीके से अलग करता है। सबसे पहला कारण है इसके इंटरनल कंसिस्टेंसी। जब आप बाइबल को देखते हैं तो ये एक किताब के रूप में आप देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 66 बुक्स का एक समूह है और जिसे 2 भागों में बांटा गया, 39 ओल्ड टेस्टामेंट में और 27 न्यू टेस्टामेंट में। इन 66 बुक्स को 40 डिफरेंट ऑथर्स ने लिखा, जिनमें कोई राजा था तो कोई आम मछुआरा, कोई हाईली इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा था तो कोई साधारण सेपट, कोई प्रॉफिट था तो कोई टैक्स कलेक्टर। और 1600 साल के करीब लगा ये पूरे बाइबल को खत्म होने के लिए। 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में लिखा गया, 3 भाषाओं में ये पूरा बाइबल ओरिजिनली लिखा गया था, ग्रीक, हिब्रू और कुछ बहुत ही कम सेक्शंस एरामिक में। लेकिन जब आप इसको स्टडी करते हो, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक आपको कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलता, बल्कि एक ही थीम में, थीम कि ईश्वर का रिडेम्पटिव वर्क को हमें दिखा देता है। इंसान कैसे पाप में गिर गया और ईश्वर उन्हें बचाने के लिए जो कार्य करते हैं, जो उनका प्लान है, जो उनका जो इच्छा है, वो अनफोल्ड होते हुए हमें दिखा देता है। इसलिए परफेक्ट यूनिटी थीम में हमें वचन को दिखा देता है, किस प्रकार से यीशु मसीह को दर्शाते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में और फाइनली न्यू टेस्टामेंट में हम यीशु मसीह को दिखते हैं कि किस प्रकार से वो जो ईश्वर का प्लान को फुलफिल करते हैं बाय डाइंग ऑन द क्रॉस फॉर द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। तो परफेक्ट यूनिटी है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये सारे लोग जो अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थिति में, एक ही लाइन में, एक ही स्टोरी फ्लो में गए? तो उसका जवाब वचन ही देता है। 2 तिमोथी 3:16 डिक्लेयर करता है कि सारे जो वचने हैं वो ईश्वर की ओर से, ईश्वर का प्रेरणा, ईश्वर का सांस दिया हुआ है। और फिर 1 पीटर 1:21 में वचन कहता है कि सभी, इन सभी को ईश्वर द्वारा दिया गया, यानी कि कोई अपना इच्छा से लिखा नहीं गया बल्कि ईश्वर की ओर से दिया गया वचन है। इसीलिए सोर्स एक है, तो इसीलिए मैसेज में यूनिटी है, थॉट का जो फ्लो, स्टोरी जो लाइन है उसमें यूनिटी है, तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हाँ, राइटर्स लोगों को ईश्वर ने प्रेरित किया, उनके भाषाओं को इस्तेमाल किया, उनके अनुभवों को इस्तेमाल किया, लेकिन मैसेज इज डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, इसीलिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, बिकॉज इट्स द वर्ड ऑफ गॉड, ये ईश्वर का वचन है, इसीलिए इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, बिकॉज सोर्स इज वन, इट्स वर्ड ऑफ गॉड। और 2 नंबर में फुलफिल प्रोफेसिस। वचन के अंदर में आपको 3000 के करीब प्रोफेसिस मिलता है और स्पेसिफिकली ये सारे प्रोफेसिस ऑलमोस्ट 90% फुलफिल हुए हैं, एग्जैक्टली, एक्यूरेटली, प्रिसाइसली जैसा कहा गया ऐसा ही फुलफिल हुआ। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देख लीजिए बिब्लिकल प्रोफेसिस फुलफिल हुआ और यीशु मसीह के बारे में 300 से अधिक प्रोफेसिस किए गए हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, यीशु मसीह नहीं आने से पहले, और वो सारे यीशु मसीह में फुलफिल होते हुए हमें दिखाई देता है।
वो कहां पर पैदा होंगे वो लिखा गया, किसके द्वारा यानी वर्जिन बर्थ के बारे में लिखा गया, वो कैसे पापियों के लिए वो बलि चढ़ेंगे उसके बारे में लिखा गया, 30 चांदी के सिक्के में बेचा जाएगा ये भी लिखा गया। तो ये सारी बातें यीशु मसीह नहीं आने से पहले 1700-800 साल पहले भविष्यवक्ताओं ने कहा मसीहा इस प्रकार का होगा और ये हुआ। रोमन्स लोगों को भी पता नहीं था क्या प्रोफेसी ऐसा हो रखा है ओल्ड टेस्टामेंट में, लेकिन वो भी अनजाने में साथ में जा रहे थे प्रोफेसी को फुलफिल करने में। सो फुलफिल्ड प्रोफेसी इस नंबर 2। ऐसा कोई पुस्तक नहीं, ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं जो इतना एक्यूरेटली इतना प्रिसाइसली प्रोफेसी हजारों साल पहले किया और फुलफिल्ड होता हुआ हमें दिखाई देता है। यीशु मसीह के और कुछ प्रोफेसीज हुए हैं जो उनके सेकेंड कमिंग में फुलफिल्ड होगा। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड, दैट्स द रीजन हर एक वो प्रोफेसी फुलफिल्ड हुआ एक्यूरेटली जैसा कहा गया वैसा ही, क्योंकि ये ईश्वर की ओर से आया वाला वचन है। और 3 नंबर में इस वचन यानी कि बाइबल के मेन्यूस्क्रिप्ट से, ओरिजिनल लैंग्वेज के मेन्यूस्क्रिप्ट से 6000 के करीब आज न्यू टेस्टामेंट के कॉपीज है जो यीशु मसीह के समय तक जाता है, और डिफरेंट म्यूजियम्स डिफरेंट काउंसिल के अंदर में ये फ्रेगमेंट्स लोग हैं जो ऑटोग्राफ की कॉपी से लिया गया मेन्यूस्क्रिप्ट से। ये तो सिर्फ यूनानी भाषा की बात में कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे भाषा में जो बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ उसका कॉपी हमें मिलता है यानी कि मेन्यूस्क्रिप्ट। और जब ये सभी मेन्यूस्क्रिप्ट को स्कॉलर्स टेक्सुअल क्रिटिसिज्म के द्वारा स्टडी करते हैं और देखते हैं कि जब आज का जो वर्जन आपके पास में जो है और जो मेन्यूस्क्रिप्ट को स्टडी करने पर आपको क्या मिलेगा, 99.9% इज एक्यूरेट, यानी कि आपका बाइबल सही से ट्रांसलेशन हुआ है ओरिजिनल लैंग्वेज से। ओरिजिनली जो राइटर्स लोगों ने लिखा वो नहीं है, लेकिन उन कॉपी से कॉपी किया वाला मेन्यूस्क्रिप्ट से। और सारे जो चर्च में एंशिएंट अर्ली चर्च में जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उन सभी को लेकर आज जब हम स्टडी करते हैं यू फाइंड इट एक्यूरेट। यस, देयर इज नो कंट्रडिक्शन, देयर इज नो वेरिएशन, इट इज एक्यूरेट। सो आपका ट्रांसलेशन इज एक्यूरेट है, तो इसीलिए मेन्यूस्क्रिप्ट एविडेंसेस के बेसिस पे आप बाइबल को भरोसा कर सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री को आप कैसे पता करते हैं, मेन्यूस्क्रिप्ट द्वारा। और जो मेन्यूस्क्रिप्ट बाइबल के लिए है उतना तो किसी के लिए भी नहीं है, आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिए उतना मेन्यूस्क्रिप्ट नहीं है, ओरिजिनल राइटिंग का कॉपीज नहीं है जितना बाइबल का है। और 4 नंबर में आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, बाइबल जितने लोगों के बारे में बात करता है, घटनाओं के बारे में बात करता है, आर्कियोलॉजी के लिए बहुत सारे लोगों को वेरीफाई किया गया। न्यू टेस्टामेंट को तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आज भी जाकर आप उन जगहों को, उन साइट्स को, उन सभी रुइंस को देख सकते हैं न्यू टेस्टामेंट के अकाउंट्स को। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट की बात करें तो डेविड के इंस्क्रिप्शन डिस्कवर किया गया है, और जेरिको का रुइंस को डिस्कवर किया गया, और बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है जो बाइबल के जो घटना बताता है ऐतिहासिक, वो सारे आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज द्वारा इसमें पाया गया। तो टाइम अगेन एंड अगेन बाइबल आर्कियोलॉजिकली वेरीफाइड करता है जितने भी अकाउंट इसके है, सो यू कैन ट्रस्ट बाइबल। और 5 नंबर में है बाइबल साइंटिफिकली एक्यूरेट है। बाइबल साइंटिस्ट जो आज के जो साइंटिस्ट बोले या मॉडर्न एज के जो साइंटिस्ट बोले, उन लोगों ने वाटर साइकिल पता नहीं करने से पहले बाइबल ऑलरेडी वाटर साइकिल के बारे में बता चुका है। अर्थ को किसी भी चीज में वो सस्टेन होकर नहीं बहता, इट इज हैंगिंग विदाउट एनीथिंग, तो ये बाइबल ऑलरेडी बताता है। और बहुत सारे ऐसे इसके अकाउंट्स में है जो साइंटिफिकली एक्यूरेट है। बाइबल के टीचिंग्स, बाइबल के प्रिंसिपल सिद्धांत द्वारा ही आज का जो मॉडर्न एज का जो सिविलाइजेशन है वो बाइबल से डायरेक्टली लिंक करता है, चाहे वो मेडिकल साइंस बोलिए, या टेक्नोलॉजी बोलिए, एजुकेशन बोलिए, सारे पाइनियर्स करने वाले वन वे और अनदर बिलीवर्स थे, बाइबल के सिद्धांतों पर चल के उन्होंने किया। सो बाइबल साइंटिफिकली एक्यूरेट है, प्रिसाइज है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं अगर बताने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो बाइबल इज साइंटिफिकली एक्यूरेट। और 6 नंबर में अदर सोर्सेस ऑफ राइटिंग, बहुत सारे ऐसे सेकुलर राइटिंग्स हैं एंशिएंट जो यीशु मसीह के बारे में बात करता है, अर्ली क्रिश्चियंस के ऊपर में बात करता है। 3 ऐसे प्रमुख
उदाहरण में दे सकता हूं जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस है। एग्जाम्पल, टैस्टस जो रोमन हिस्टोरियन था, उन्होंने यीशु मसीह और मसीहत के बारे में लिखा अपने हिस्टोरिकल अकाउंट्स में। जोसेफस जो ज्यूइश हिस्टोरियन थे, उन्होंने यीशु मसीह और मसीहत के बारे में लिखा। प्लिनी द यंगर जो एक गवर्नर और एक पॉलिटिशियन थे, रोमन स्टेटमैन, उन्होंने मसीहों के बारे में लिखा। पर्सिक्यूशन करे ना करे इससे परमिशन लेने के लिए उन्होंने लेटर लिखा, किसको? रोमन एम्परर को। और दूसरे अर्ली चर्च फादर्स राइटिंग्स जो एपोस्टोलिक पीरियड के बाद में जो चर्च लीडर हुए, वो सभी को हम एपोस्टोलिक फादर कहते हैं। बहुत सारे एपोस्टोलिक फादर्स लोगों ने लिखा, उनके राइटिंग में न्यू टेस्टामेंट का कोट से, वचन का कोट से, इन सभी राइटिंग्स को देखे तो भी बाइबल के साथ में हम कोरोबरेट कर सकते हैं, उसका अकाउंट को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो अंत में बात यहीं पर आता है कि यदि आप खुद से इसको पढ़ोगे या इसके वचनों को सुनोगे, उस पर चलोगे, पालन करोगे, तो आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि बाइबल लोगों का जीवन बदलता है, सोच को बदलता है, पूरी तरीके से लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है बाइबल, बिकॉज इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। यही है परमेश्वर का वचन, यही है जीवन का स्रोत, सारे उलझन समस्या को सुलझाने के लिए जो जवाब आपको चाहिए आपको यहीं पर मिलेगा। क्या आप विश्वास करोगे? जो विश्वास नहीं करेंगे उन्हें हजारों सबूत दे दो, वो विश्वास करने वाले नहीं, लेकिन जो विश्वास करने वाले हैं वो खुद पढ़कर खुद से विश्वास कर लेंगे। तो धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। यदि आप ब्लेस्ड हुए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ये मिनिस्ट्री जो है आगे बढ़े। धन्यवाद करता हूँ आखिर तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।